हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे 75 हार्ड डेज चैलेंज चल रहा है, ठीक है। और उसमें से गाइस मैंने 25 दिन पूरे कर लिए हैं, मतलब हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया है। टोटल 3 पड़ाव हैं तो 25 दिन हमने पूरे कर लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस 25 डेज का। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि मतलब मैंने कितना वेट लॉस किया, कितना मैंने फैट लॉस किया, विथ प्रूफ्स एंड डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ गाइज। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगा गाइज, तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज है मेरा 75 का पहला दिन। इसमें तो मेरी हालत खराब हो गई थी। यह वीडियो अपलोड, मैं निकल गया मेरा आउटडोर टास्क पूरा करने के लिए। टास्क भी हुआ पूरा। लंजेस, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत टफ है। लेफ्ट में लगाए केबल क्रंचेस। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। 5 बजे उठ के मैं निकल गया रेलवे स्टेशन पापा को पिक करने। लंच में मैंने कहा ब्राउन राइस, मूंग की सब्जी और सैलेड। फिर फ्रेश होकर मैं गया रेलवे स्टेशन गेस्ट को पिक करने। फिर को मैं गया डाइट के लिए थोड़ा अंजीर, और मैंने लगाया शोल्डर। पहले की केक लाने से बहुत जोरदार लग रहा था, बट मैंने हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद 10वां दिन हमारा को बुखार आ गया और हम उसे लेके आए हॉस्पिटल दवाई लेने। बाद के हेक्स को फिर आज से नवरात्रि स्टार्ट हुई। सो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट मैंने कहा बॉयल मूंग सलाद। फिर रात को जब सब नवरात्रि मना रहे थे, मैं निकल गया साइकिल लेके आउटडोर टास्क पूरा करने। उसमें 3:30 बजे उठ के मैं चला गया मन को स्कूल छोड़। यस, हमारा को नवरात्रि मिला फर्स्ट के 22 से। फिर घर के सलून में और मैंने करवाया बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स के बाद बाल कैसे हो गए, 11 ने किया कूल शोल्डर, पहले की मशीन शोल्डर पहुंचे सगाई। उसके बाद हुआ केक कटिंग। तो टाइम निकाल के मैंने लिखी डे 14 के वीडियो की स्क्रिप्ट और किया एडिटर में खाया पनीर और सलाद। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं टूट गया था मेरा हल्दी का आउटफिट और ये हमारा कल। गाइस, सच बता रहा हूँ, शादी में ये सब करने के लिए कैसे मैंने टाइम निकाला ये मैं ही जानता हूँ। सो मैं सुबह 6 बजे सोया हूँ और फिर उठा 10 बजे, लेकिन तब तक जिम बंद हो गया। सो मैंने घर पे ही एप्स की वर्कआउट दूल्हे की खातिर डाल दी। फिर लेट नाइट में निकल गया वॉक करने के लिए, वहाँ साइकिल तो थी नहीं। उसी के साथ हुआ पानी वाला टास्क भी पूरा। फिर पड़ी मैंने बुक, उसके बाद मैंने लगाया लेट कूल डाउन। ग्राम में उसके प्रसाद बनाने के लिए जलाया चूल्हा। काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस। मार्केट से नई सीट लाया और साइकिल की सीट चेंज कर दी। पहले किए बाइसेप्स, फिर किए एक और एक्सरसाइज। हेलो, नमस्ते, फिर पढ़ी मैंने बुक, और आज मेरी ये बुक पूरी हो गई। उसी के साथ हुआ पानी वाला टास्क भी पूरा। और ये रहा आज का फोटो। आज की सीख ये है कि इस दुनिया में कब कौन कैसे चला जाए किसी को पता नहीं चलता। सो अपने अपनों को खूब सारा प्यार दो ताकि उनके जाने के बाद आपको अफसोस ना हो। सो गाइस, सबसे पहले जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये चैलेंज स्टार्ट क्यों किया है। सो गाइस, पहले तो आप मेरी ये फोटोज देखिए। जैसे कि आपने देखा गाइस, मैंने कुछ सालों में काफ़ी फैट गेन कर लिया था। सो मतलब मैं खुद को भी थोड़ा ऐसे मोटा लगने लगा था, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस, मेरी सबसे दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो ये है कि एक तो मैं कभी भी जिम के लिए डिसिप्लिन नहीं हुआ। मतलब मैंने जिम ज्वाइन किया, 10 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर ज्वाइन किया, फीस भरी, 10-20 दिन किया, फिर छोड़ दिया। तो ये मेरा चलता रहता है जिम के साथ, तो मैं कभी भी कंसिस्टेंटली जिम नहीं जा पाया। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं खाने का बहुत ही मतलब चटपटे खाने का जो चाट वगैरह होता है उसका बहुत बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। सो आप मेरा ये देखिए, स्नैपचैट पूरा मेरा खाने से भरा हुआ है, जंक फूड से भरा हुआ है। तो एक वो भी चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं कभी भी अपना मतलब शेप में नहीं आ पाया। लेकिन गाइस, ये 75 हार्ड चैलेंज ने मेरी बहुत मदद की इसमें। मतलब मेरा एक तो जिम के लिए मैं एकदम डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब मैं क्या बोलते हैं, जंक फूड का तो नाम ही नहीं है। मतलब मैं अपनी हाँ फैमिली को लेके जाता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, लेकिन खुद कभी भी नहीं खाता हूँ। और मतलब ये मेरा एकदम से एक डिसिप्लिन्ड रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी में भी चेंजेस दिख रहे हैं गाइज। और गाइज, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मतलब या तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अगर ये कुछ बोलेगा तो मतलब मैं पक्का करूँगा ही करूँगा। इसीलिए मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही कहा था कि मैं ये ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है और मैं ये करूँगा ही। मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना ही है और मैं ये कम्प्लीट ही करूँगा। सो इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसीलिए बोल पाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं 100% इस चैलेंज को कम्प्लीट करूँगा।
तो गाइज अब बात करते हैं मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आई। सो गाइज सच्ची सच्ची बताऊं, पहले एक दो दिन तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि एक के बाद एक सब टास्क पूरे करने में ही मेरा दिन पूरा खत्म हो जाता था, तो बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऊपर से शादी और आ गई, तो शादी में तो आप लोगों ने देखा, मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। मतलब गाइज ऐसा भी हुआ था कि मतलब एक दो घंटे ही मेरी नींद हुई थी, कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे को दो तीन घंटे की नींद मिल रही थी, ठीक है गाइज। सो गाइज एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था, मतलब एकदम मुझे झपकी आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने बुक कंप्लीट की और अपना टास्क पूरा किया उसके बाद। लेकिन गाइज शादी में ये जो शादी वाला जो टाइम था, वो फेज था, उसमें मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई, लेकिन काफ़ी सपोर्ट मिला आप सबकी तरफ से भी, काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी लाइक्स और काफ़ी आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, तो थैंक यू वेरी मच गाइज। और शादी में भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उन सब ने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया मुझे और काफ़ी मोटिवेट किया अपने टास्क पूरे करने के लिए, सो उन सभी को थैंक यू। सो गाइज अब बात करते हैं वेट की, तो गाइज सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ, मैं फैट लॉस जर्नी पे हूँ। मतलब मैं अपना वेट कम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना फैट कम करना चाहता हूँ, अपने बॉडी से जो चर्बी है उसको कम करना चाहता हूँ, ठीक है गाइज। तो मैं मसल गेन करना चाहता हूँ, वेट कम नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरा गोल नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी गाइज के मैंने अपने जिम के दूसरे ही दिन अपना BMI करवाया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने 27th डे पे भी BMI करवाया है, तो वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और उसका जो भी रीडिंग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो गाइज अभी मेरी वाइफ जो वीडियो शूट कर रही है, उसने मुझे सजेशन दिया कि पहले आप बताओ तो सही कि BMI होता क्या है, तो मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि BMI जो होता है, मतलब वो अपना बॉडी मास इंडेक्स होता है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। तो वो क्या मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपनी बॉडी में के फैट परसेंट कितना है, ठीक है, अपने बॉडी का जो मसल वेट है वो कितना है, हर चीज़ वो जो है वो रीडिंग जो होती है वो हमको मिलती है BMI की मदद से, तो वही होता है BMI, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं गाइज, सबसे पहले वेट में आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि मेरा वेट क्या हुआ, क्या डिफरेंस है वेट में। सबसे पहले मैं आपको बता BMI मेरा है कितना, तो जो सेकंड डे पे मैंने BMI किया था वो 26.3 था, और जो 27th डे पे किया था वो 24.9 था, ठीक है गाइज। अब फैट की बात करते हैं कि फैट लॉस मतलब फैट परसेंटेज मेरा कितना था, तो डे टू पे मेरा फैट परसेंटेज था 24.1%, ठीक है गाइज। और आज की डेट मतलब 27th को मेरा जो फैट परसेंटेज है वो 22% था, ओके गाइज। सो 2% मेरा फैट लॉस हुआ है, ठीक है। फिर बॉडी फैट वेट की अगर बात करें कि मतलब फैट का जो वजन होता है वो कितना, तो 19 kg था पहले, और अब उसके बाद 27th डे पे 16.5 हुआ, तो उसमें भी कुछ 1.5-2 kg का फ़र्क आया है, ठीक है गाइज। और अगर मसल वेट की बात करें तो 31.4 था और अब 30.8 है, फोन आ गया, ठीक है गाइज। और उसके बाद अभी अगर विसरल फैट की बात, अच्छा विसरल फैट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विसरल फैट मतलब जो अपने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर जो फैट होता है उसका अगर देखा जाए तो मेरा 11.5 था और अब मेरा 10 हो गया है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा वो हो गया है। फिर ओबेसिटी की बात करें तो आई वॉज माइल्डली ओबीज, ठीक है, 21% था और अब मेरा 14.7% है। और गाइज बॉडी एज, इसमें बॉडी एज दिखाता है कि मतलब मेरी जो बॉडी है उसकी एज क्या है, मतलब तो उस टाइम पे मेरी बॉडी एज थी 36, ठीक है, जो मेरे अभी है उससे भी ज़्यादा, और उसके बाद मेरी हो गई है 32, जो मेरी अभी है उससे कम, ठीक है गाइज। सो ये भी काफ़ी फ़र्क। और अभी अब लास्ट में वेट की बात करते हैं, तो वेट गाइज पहले मेरा था 78.75 और फिर अभी 27th डे पे मेरा वेट हो गया 74.65, मतलब 4 kg का डिफरेंस आया गाइज। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा जो मेन फोकस है वो वेट लॉस पे नहीं है, वो फैट लॉस पे है, तो फैट लॉस मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। और वैसे भी वेट मेरा उतना खास है नहीं कि मैं वेट लूज़ करूं, मुझे सिर्फ फैट लॉस करने की ज़रूरत है और मुझे मसल गेन करने की ज़रूरत है, तो मैं उसी तरह की मैं डाइट लेता हूं, उसी तरह के मैं एक्सरसाइज करता हूं और अपने बॉडी को उस दिशा में लेके जाने की कोशिश करता हूं।
और गाइज जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये ऐसा कुछ चैलेंज आया है और हम भी कर सकते हैं। और गाइज मैं सच बता रहा हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होने वाला है और बाकी सबके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा अगर आप मतलब शिद्दत से, अगर आप डिसिप्लिन से इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि गाइज अगर आप दिन में 2 टाइम अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बिल्कुल जंक फूड नहीं खा रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, पूरा इनफ पानी पी रहे हैं, तो फिर 100% आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आएंगे गाइज। सो गाइज यही था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस, कैसा लगा ये वीडियो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, जितना हो सके ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ गाइज इस चीज़ को फॉलो कीजिए, 75 हार्ड करिए मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है गाइज। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।